त्योहारी सीजन आते ही मुख्य बाजारों में भीड़ बढ़ने लगती है, जिसे लेकर दुर्ग चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें इंदिरा मार्केट दुर्ग में व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयासों की मांग की गई, जिससे कि आम जनता एवं दुकानदारों को किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना न करना पड़े। पार्किंग एवं अवैध कब्जे को लेकर मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत बताई गई। व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने अपनी बात मीडिया के समक्ष कुछ इस प्रकार से रखी। त्योहारी सीजन सामने में है और अभी तक कोई व्यवस्था की जानकारी मिली नहीं है कि पार्किंग की व्यवस्था कहाँ की जा रही है और ठेले खोमचे वालों के लिए कौन सी जगह दी जा रही है। इसलिए हम लोग आज मिलने के लिए आए थे कि त्यौहार एकदम सामने आ चुका है और दुर्ग के अंदर में जो रोड सकरा होने से जहाँ जहाँ पे चौरस्ता है, जैसे फरिश्ता कॉम्प्लेक्स के सामने ट्रैफिक जाम हो जाता है, इंदिरा मार्केट के सामने में ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो वहाँ पे हमने मांग की है कि एक ट्रैफिक पुलिसमैन दिया जाए जिससे कि भी वहाँ पे जाम न लगे और ठेले खोमचों को अलग जगह दिया जाए। जो दिवाली के लिए पटाखे की दुकान जहाँ लगती है, वहीं सारे त्यौहार से रिलेटेड जितनी भी दुकानें लगनी है वो सब एक जगह लगे, ना कि दुकानों के सामने में ठेले लगा दे, उससे ना उनका व्यापार हो पाता है ना दुकानदारों का व्यापार हो पाता है। तो ट्रैफिक अगर सुगम रहेगा, लोगों को आने जाने में तकलीफ नहीं होगी तो लोग आएंगे, नहीं तो फिर वो दूसरे जगह चले जाएंगे, शहर का पूरा व्यापार ख़त्म हो जाएगा। कलेक्टर महोदय से ये गुजारिश करी गई है कि त्यौहार को देखते हुए जिस तरह का अभी तक कोई सूचना अभी तक जारी नहीं हुआ है व्यापारी वर्ग को भी, और व्यापार को देखते हुए जिस तरह से असुविधाएं महसूस हो रही है, व्यापारी वर्ग बहुत तकलीफ़ में है क्योंकि पार्किंग व्यवस्था अपने दुर्ग शहर की बहुत ही कमज़ोर है और उसको देखते हुए क्या होता है कि व्यापार करने के लिए घर परिवार त्यौहार में तो सब निकलते ही है, मगर उसको व्यवस्थित एक रखने के लिए, सुचारू रूप बनाने के लिए पुलिस व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है, नगर निगम से भी व्यवस्था मिलनी चाहिए। नगर निगम के द्वारा ये होना चाहिए कि जो ठेले खोमचे लगते हैं उसको व्यवस्थित जगहों में लगाना चाहिए, ये प्रशासन से मांग हमारी है, ताकि हमारा ध्रुव का व्यापार वापस डेवलप हो सके, क्योंकि व्यापार अगर नहीं होगा तो हमारा व्यापारी कैसे सुखी होगा। अगर जो जिससे व्यापार चलता है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए प्रशासन का, इसलिए हमारा मिलने का हुआ।